दोस्तों नमस्कार। बड़े हर्ष के साथ मैं आप सभी को यह सूचित कर रहा हूं कि मैं यानी कुंदन कुमार सिंह का सिलेक्शन उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत जिला जनसंपर्क अधिकारी के रूप में ऑल इंडिया रैंक 3rd के साथ हुआ है। अब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से एक यूट्यूबर पीसीएस ऑफिसर बनता है, पूरी संघर्ष की कहानी, क्योंकि यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही मोटिवेटिंग होने वाला है। कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलेगा, प्रेरणा स्रोत होगा आपके लिए, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में आपको बता दूं तो मेरी स्कूली शिक्षा भारत के प्रतिष्ठित एजुकेशनल संस्थान राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल शिमला हिल्स हिमाचल प्रदेश से हुई है। इसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुई। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में किया था। साल 2018 का पास आउट हूं, पोस्ट ग्रेजुएट हूं। साल 2018 में ही मैंने अपने यूट्यूब चैनल महामना एजुकेशन हब के रूप में शुरू किया था, जिसका नाम अब मैंने महामना वीडियोज कर दिया है। तो ये बात थी। रही बात संघर्ष की कहानी, तो चूंकि मैंने आपको बताया कि मेरी स्कूली शिक्षा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में हुई है, तो ये मेरा सपना था कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं। और स्कूल में 12वीं में मैंने एनडीए एग्जाम भी दिया, रिटन एग्जाम क्लियर भी हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आ जाता हूं। इसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पे आपको पता है कि सीडीएस जो होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, और एक एफकेट होता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। तो इन दोनों एग्जाम के थ्रू मैंने रिटन बार बार दिए, रिटन बार बार क्लियर हुआ, और टोटल 4 बार सीडीएस जो कि यूपीएससी कंडक्ट करती है, और 6 बार एफकेट जो कि इंडियन एयरफोर्स खुद कंडक्ट करती है। इन दोनों एग्जाम्स को मैंने रिटन क्लियर किए और 10 SSB दिए, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। बार बार SSB यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में मैं बाहर हो जाता हूं। ग्रेजुएशन बीत गया, पोस्ट ग्रेजुएशन बीत गया। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लगभग 3-4 महीने बाकी थे फाइनल ईयर खत्म होने में, तो मेरे दिमाग में आया, और मैं अपने जीवन के लगभग 8 SSB दे चुका था, तो मुझे लग रहा था कि शायद अब मैं आर्मी ऑफिसर नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि एज भी मेरी कहीं ना कहीं 25 साल के आसपास अगले एक साल में होने जा रही थी। आपको बता दूं कि आर्मी ऑफिसर के लिए जो एज लिमिट है वो 25 साल ही है, एफकेट के लिए 26 साल है, 26 ईयर्स। तो ये चीजें हैं। तो फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं कुछ पैसे कमाने के उपाय ढूंढने लगा, तो आइडिया आया कि क्यों ना मैं यूट्यूब चैनल बनाता हूं। तो मैंने महामना एजुकेशन मेरे नाम, मेरे दिमाग में बात आई और मैं यूट्यूब चैनल बना लेता हूं और वीडियोस डालना शुरू करता हूं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल में कमरा नंबर 120 में रहता था, और वहीं मैंने 70 रुपए का एक व्हाइट बोर्ड खरीदा और कुछ मार्कर खरीदा और उसको दीवार में लगाया, और मैंने, मेरे दोस्त के पास DSLR कैमरा था, उसके पास लैपटॉप भी था, सब कुछ था, मैंने लगाया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। तो पहला जो वीडियो था, तो मेरे दिमाग में आ रही थी कि मैं आखिर बनाऊं क्या। तो हुआ कि चूंकि मैंने ग्रेजुएशन BA ऑनर्स इन इंग्लिश किया था वहां से, तो मैंने उसी पे कर दिया कि हाउ टू क्रैक BA ऑनर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर BHU। इसके बाद लगातार तमाम आइडियाज आते गए और लोगों के कमेंट्स आते गए, वीडियोस बनते गए, और अभी अगर आप देखोगे मेरे चैनल को तो लगभग 2200 के आसपास, 2200 के आसपास मैंने वीडियोस आज तक बनाए हैं। तो ये सिलसिला शुरू होता है, चीजें चलने लगती है, और फॉर्चुनेटली मैंने मेहनत भी बहुत की उसको बनाने में, वीडियोस बनाने में एकदम रात दिन कैसे भी करके बनाता रहता था, खूब बनाता था, बहुत बनाता था। तो ग्रोथ भी बहुत जल्दी हुआ, 2 महीने के अंदर मोनेटाइज भी हो गया मेरा चैनल और कुछ डॉलर में पैसे भी आने लग गए थे। तो इस प्रकार से मैं 2 साल खूब अच्छे से चलाता हूं यूट्यूब चैनल, और लगभग 2 साल के अंदर, मतलब साल 2018 में शुरू किया था, अप्रैल ममें 2020 में मेरे 1 लाख फॉलोअर्स भी हो जाते हैं, मुझे सिल्वर प्ले बटन भी मिल जाता है 2 साल बाद। तो ये चीजें चल रही थी, ठीक ठाक पैसे आ रहे थे, जितने में आराम से मेरा दिल्ली में रहना हो जाता था। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था अपने दोस्त के साथ जो कि मीडिया में काम कर रहा था। आपकी जानकारी के लिए अभी बता दूं कि साल 2018 में मेरा कैंपस सिलेक्शन ABP न्यूज में हुआ था, लेकिन मैंने अपने इंटरव्यू में यह कहा था कि मैं चूंकि अभी डिफेंस फोर्सेस की तैयारी कर रहा हूं, तो उन्हें लगा कि ये इंसान
ज्वाइन तो अगर हो भी जाएगा तो फिर थोड़े दिन बाद छोड़ देगा हमें, तो इसलिए उन्होंने हमें रखा नहीं, इंटरव्यू के लिए मैं दिल्ली आया था, नोएडा आया था। तो ये चीज़ें थी। तो मैं यूट्यूब पे काम कर रहा था, पैसे कमा रहा था, मेरी रोजी रोटी वहीं से चल रही थी, ठीक ठाक पैसे आ जाते थे। मैं आपको बताऊं कि मतलब जो पीक सीजन होता था उस समय एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, उसमें मैंने 40-47 हज़ार रुपये भी महीने के कमाए थे। चीज़ें सब ठीक चल रही थी, लेकिन बीच में कोविड आ जाता है। तो कोविड में मुझे एक आइडिया आता है कि यार अब मेरे सब CDS वगैरह के चांसेस खत्म हो गए हैं, 2 साल बीत जाता है। मतलब मैंने 2019 में लास्ट अपना सर्विस सिलेक्शन बोर्ड दिया था, मतलब SSB दिया था, और उसके बाद फिर मैंने मतलब मेरी एज खत्म हो गई और फिर मैंने कोई एग्जाम्स नहीं दिए वैसे ऑफिसर्स के, तो होता है। तब मैं यूट्यूब ही चला रहा था। तो 2020 लगभग नवंबर में मेरे मन में बात आई कि यार कुछ अब थोड़ा अब ऑफिसर बनने का ख्वाब तो आर्मी ऑफिसर का तो चला गया, कुछ देखते हैं सिविल सर्विसेज चाहे और भी कुछ अगर हो सके तो। तो फिर मैं यूट्यूब के साथ साथ यूट्यूब को थोड़ा सा अपना कम कर देता हूँ, अवॉइड करता हूँ। हफ्ते में 10 दिन में 1 महीने में 1-2 वीडियोस डाल रहा था बस, और बाकी मैं पढ़ाई में जुट गया। तो साल 2021 मैंने पूरी सेल्फ स्टडी की। अच्छा, मैंने आज तक कोचिंग नहीं करी है सिविल सर्विसेज की, कोई भी कोचिंग नहीं करी है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। और अब मेरे दोस्त थे जिन्होंने कोचिंग कर रखी थी, जो पहले से पटेल नगर में मुखर्जी नगर में रह रहे थे, तो उनके पास गया, कुछ नोट्स इकट्ठा किए और उन्हीं से थोड़ा गाइडेंस में लगा थोड़ा थोड़ा पढ़ने। तो साल 2021 में लगभग मैंने पूरे साल खूब अच्छे से पढ़ाई की लाइब्रेरी जा जाके, और यूट्यूब बिल्कुल मैं एकदम नील कर दिया, ऑलमोस्ट चैनल जो है मेरा बैठ गया था, बिल्कुल बैठ गया था। पैसे बिल्कुल 2-3 महीने में $100 पूरा होता था, तो 8-9 हज़ार रुपये आ जाते थे, इतना ही आता 2-3 महीने में। और फिर मैं खर्चे के लिए ऐसा करता था कि कुछ कुछ ट्यूशंस ले लेता था ऑनलाइन, बच्चों के ट्यूशंस ले लेता था, वहां पे 1 घंटे पढ़ाने के 600-700 रुपए मिल जाते थे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं टीचर ऑन करके या और भी कुछ है, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन टीचर ऑन पे मैंने रजिस्टर किया था और मुझे बहुत सारे पढ़ाने के लिए ऑफर मिलते भी थे। तो मैं हफ्ते का आराम से इतना 3-4 हज़ार रुपए कमा लेता था 1-1 घंटा पढ़ा के, तो ठीक था, उससे मेरा आराम से चल जा रहा था रोजी रोटी और पढ़ाई मैं कर रहा था। तो साल 2021 में पूरी पढ़ाई करता हूँ, साल 2021 में वैकेंसी आती है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो मैं भर देता हूँ फॉर्म। भरने के बाद 1 साल बाद लगभग अप्रैल 2022 में इसका प्रीलिम्स एग्जाम होता है। प्रीलिम्स एग्जाम दे के आता हूँ हल्द्वानी में, और लकली 4-5 महीने बाद रिजल्ट आता है, क्लियर भी हो जाता है। फिर इसके बाद मेन्स एग्जाम जो है, मेन्स एग्जाम अगले साल यानी कि साल 2023 के फरवरी में, ये होना था अगस्त में, लेकिन किसी वजह से प्रोटेस्ट हो रहे थे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ और भी चीजें थी, तो ये पोस्टपोन होता जाता है, और ये फाइनली फरवरी 2023 में मेंस एग्जाम होता है। 7 पेपर होते हैं 1500 नंबर के, और मैं लिख के आता हूँ। एग्जाम बहुत ज्यादा ठीक ठाक नहीं गया था, मतलब 2 पेपर ऐसे थे जिससे मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था। कारण था कि उन 2 पेपर में, लास्ट के 2 पेपर मुझे बहुत ज्यादा सर्दी वगैरह हो गई थी, तो आप ये सोचिए कि एक हाथ में रुमाल था मेरे और एक हाथ में कलम था, मेरी आंख और नाक से बिल्कुल उस 3 घंटे के पेपर में लगातार पानी बह रहा था और मैं छींक रहा था बहुत जोर जोर से, सिर में दर्द था, बट एनी हाउ आई कुड कंप्लीट द पेपर। और फिर 1 साल बाद मतलब फरवरी 25 फरवरी 2024 को मेंस का रिजल्ट आता है, मैं रिजल्ट देखता हूं और मेरा लकली हो गया होता है, मेरे रोल नंबर लिखे होते हैं उसमें। इसके बाद इंटरव्यू जो है वो 4 जुलाई 2024 को होता है, और फाइनली 28 अगस्त 2024 रात करीबन 8:15 बजे ये फाइनल रिजल्ट आता है। देहरादून का एक मेरा मित्र नवीन करके है, तो उसने फोन किया मुझे और बताया कि कुंदन भाई बधाई हो, मिठाई खिला देना से आपका चयन पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के रूप में हो गया है और आपकी ऑल इंडिया रैंक 3rd है। मैं खुश होता हूं, मैं रिजल्ट भी खोल के नहीं देखने जाता हूं, अपने पिताजी को फोन करता हूं, इसके बाद बधाइयों का तांता लग जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि उस रात इतने फोन आए मुझे कि सुबह के 5 बजे तक लगातार मेरे कुछ न कुछ दोस्त फोन करते रहे। 5 बजे अंततः मैं सो जाता हूं किसी से बात करते करते, और 9 बजे जब नींद मेरी खुलती है सुबह 4 घंटे बाद, तो फोन उठाकर देखता हूं तो 121 मिस्ड कॉल पड़े होते हैं। ये चीज तो मुझे लगा कि अब कुंदन तेरी जिंदगी कुछ बदल गई है, तू अब इंपॉर्टेंट हो गया है लोगों के लिए। तो ये चीजें थी, और काफी समय हो गया, देखो 10 मिनट 42 सेकेंड मैंने शूट कर लिए, और अभी तक तो इतना ही। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या क्या आपके क्वेश्चंस होंगे,
और कुछ मैं अब लगातार आपसे लाइव वीडियोस भी करूंगा जिसमें आप क्वेश्चंस पूछेंगे हमसे और मैं आपको जवाब भी दूंगा। और पिछले लगभग 3 साल से मेरा चैनल डेड पड़ा था, यूट्यूब चैनल बहुत कम वीडियोस डाल रहा था, रेवेन्यू ऑलमोस्ट बहुत कम हो गया है, लेकिन अब उम्मीद है कि फिर से महामना एजुकेशन या महामना वीडियोस के नाम से जो मेरा चैनल है वापस बूम करेगा और आप सब तक मैं भरपूर अपने प्रयास से वीडियोस पहुंचाता रहूंगा जो आपके लिए बहुत मोटिवेटिंग होंगे। और मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम लोग तैयारी वाले हैं, मैक्सिमम अच्छे स्टूडेंट्स हैं, कुछ ना कुछ जीवन में बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं प्रेरणा स्रोत बनूंगा। और जो भी कुछ बातें होती है जमीन जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट बॉक्स को पढ़ के उसके ऊपर वीडियोस जरूर लाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। काइंडली शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।